नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 9 साल की लड़की, उसके साथ रेप, उसके बाद उसके शरीर के 5 टुकड़े और फिर एक आरोपी। आरोपी को कोर्ट ने अब फाइनली फांसी की सजा सुना दी है। लड़की 9 साल की थी, इसलिए मामला पॉक्सो एक्ट के तहत बनता है। और इसमें जिस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि खबर आपने जानी ही होगी, लॉकडाउन के वक्त की खबर है। बिहार का गोपालगंज ज़िला था और वहां पर नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की जाती है। उसके शरीर के 5 टुकड़े करने के मामलों में ये पूरी की पूरी सज़ा जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई जाती है। इस पूरे के पूरे मसले पर 27 जनवरी को चार्जशीट दाखिल हुई थी और कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। पुलिस की ओर से जो चार्जशीट दायर की गई थी, उसमें 25 दिन के अंदर कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुना दी है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 27 जनवरी से लेकर अगर आप अभी तक की स्थिति को देखें तो 25 दिन तक ये पूरा का पूरा मामला बनता है। और इसमें शनिवार को 20 साल के आरोपी जय किशोर शाह को जुर्म सिद्ध होने पर फांसी की सजा सुनाई गई है। घटना पिछले साल की है, ये भी आपको बता दूं, जब लॉकडाउन के दौरान जूस की दुकान बंद होने के कारण आरोपी जयकिशोर पटना से गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के अपने गांव बकरौर लौट आया था और उसके बाद ही उसने इस पूरी की पूरी दुर्दांत घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद सारी की सारी तस्वीर आप लोगों के सामने है। और अब देश, हर कोई कोर्ट के साथ है और अपील यही कर रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इसी तरह की सजा बिल्कुल सही है। आप लोग क्या कह रहे हैं, जरूर बताइए कमेंट करके। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।